हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई, होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। होगा अब माँ का अब होगी अब आपकी मुराद हर पूरी, सारे दुखों को दरने माता रानी आ गई। आज माँ का काल रात्रि की बात की जाए, आज माँ का छठा नवरात्रा है, ये बात समझ लीजिए। आज माता के कथानी रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आज माँ से जो भी मांगो वो सब कुछ मिलता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस बार नवरात्रा एक बड़ा हुआ है, इसलिए कायदे से देखा जाए तो आज कात्यायनी की पूजा है, और अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो आज सातवां नवरात्रा है। आपको यहाँ पर ये बताना भी ज्यादा जरूरी है कि अष्टमी की जो पूजा आप लोग करेंगे वो आप बुधवार करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं। हो सकता है आप मुझसे बात करना चाहते हो, आपके दिल में हो कोई समस्या या परेशानी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको राशि का हाल तो बताएंगे, साथ साथ हम आज आपको माँ कात्यायनी और काल रात्रि दोनों के ही उपाय बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक खास पेशकश। सबसे पहले बात मेष राशि की। कानूनी विवादों से निपटारा आपके पक्ष में संभव दिखाई दे रहा है। व्यापार में नए प्रस्ताव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज करना क्या है, कबूतरों को बाजरा जरूर दे आप। जब भी कबूतरों को आप बाजरा दे उसके साथ उन्हें पीने के लिए पानी भी जरूर दे आप। राशि के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि। संतान की तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखें आप। आलस्य से बचना होगा। आज आपको करना क्या है कि पीपल के पेड़ पर जल अर्पण करना है, लेकिन उसे छूना बिल्कुल भी नहीं। अगली राशि का रुख करेंगे जो है मिथुन राशि। क्या कहते हैं आपके सितारे। पारिवारिक वातावरण आज आपके सहयोग में रहता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। यश प्रतिष्ठा मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पक्षपात बिल्कुल भी ना करें, ना किसी के अच्छे में रहें ना किसी के बुरे में रहें। अगर आज आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कृपया सलाह भी बिल्कुल ना दें। हलवा छोले का प्रसाद जरूर बांटें। कौन कहता है कि अष्टमी और नौवीं पे हलवे छोले का प्रसाद बांटना चाहिए। माँ आपके घर में हर रोज आपको हलवे छोले का प्रसाद बांटना चाहिए। मैं आपको आज इस कार्यक्रम में दो उपाय बताऊंगी, एक कात्यायनी से जुड़ा हुआ और एक कालरात्रि से पहले। कात्यायनी से जुड़ा हुआ, कात्यायनी माँ जो है वो शुक्र ग्रह को कहीं ना कहीं नियंत्रण करती है, इसलिए आज माँ को दही का भोग जरूर लगाएं। लेकिन अब बात करते हैं कालरात्रि की। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। ये ग्रह बाधाओं को दूर करती है, काम अगर बंधन में बंधा हो तो उसे मुक्त कराती है। आपको इनकी उपासना करनी है। अग्नि भय जल किसी भी शत्रु का नाश आज आप कर सकते हैं। आपको इन सब के डर से मुक्ति मिल सकती है कालरात्रि की पूजा कर माँ को चने का भोग लगाकर। याद रखिए, जीवन में अगर कुछ पाना है तो पहले देना सीखिए। माँ कालरात्रि के समक्ष जाकर दंडवत प्रणाम जरूर कीजिए, जीवन खूबसूरत हो जाएगा और आपको जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। किरण जुड़ी है हमारे साथ, स्वागत है आपका किरण। हेलो किरण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है जी। बताइए आपकी डिटेल्स बताइए। 25 2 आगे 25 2 1996। हाँ ठीक है। और टाइम जॉब के बारे में, टाइम दोपहर का 2 बजे। सवाल? मैं अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ, कब तक मिलेगी? आपकी जॉब के बारे में पूछना चाहती है कब तक मिलेगी। मंगल की महादशा सूर्य की अंतरदशा चल रही है, दूसरा मंगल और सूर्य की युक्ति बनी हुई है। देखिए कुंडली के अंदर के हिसाब से तो आपको जॉब मिल जानी चाहिए इस वक्त, लेकिन आपको एक उपाय करना होगा, सुंदरकांड का पाठ करना होगा, हर रोज करें तो संभवतः अच्छा है। माँ दुर्गा के मंदिर में एक लाल रंग का झंडा भी जरूर लगाएं। अंबिका जी स्वागत है। अंबिका जी मेरी आवाज मिल रही है? श्वेता जुड़ी है हमारे साथ, श्वेता जी स्वागत है। मैम नमस्ते। जय माता दी। जी मैम। हेलो मैम, मेरा ये सब मेरे हस्बैंड का नाम दीपक है जी। और जी मैम हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड की मतलब बनती नहीं मैम। आपके और आपके हस्बैंड की आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं है। देखिए इसके ऊपर एक विशेष कार्यक्रम लेके नवरात्रों के बाद हम जरूर आपके समक्ष आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा उपाय कर लें,
सबसे पहली बात तो आप रोज रात को सोते वक्त अपने तकिए के नीचे कपूर रखकर सोएं और आपके पति के तकिए के नीचे सिंदूर रख दें। आपके पति देव सुबह उठ के सिंदूर को बिखेर दें। अगर वो नहीं बिखेरना चाहते तो आप ही अपने कमरे में ऐसे थोड़ा सा सिंदूर रखिए जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं और इस तरह से हवा में बिखेर दीजिए। उसके बाद भले ही झाड़ू पोछा हो जाए और जो कपूर आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए उसे घर के बाहर जाकर जला दीजिए। लगातार 40 दिन तक ऐसा करने से रिलेशन अच्छे होंगे। मुकेश जुड़े, मुकेश जी स्वागत है। लोकेश जी मैं चाहूंगी, लोकेश जी स्वागत है। हाँ मैम, जय माता दी। जय माता दी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1985। 12 जुलाई 1985 85। क्षमा चाहूंगी। टाइम 9:30 बजे। सवाल सवाल है, गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? मैं गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहा हूँ तो वो कब तक मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, मंगल की महादशा, शनि की अंतरदशा चल रही, जैसे ही शनि का समय खत्म होगा जॉब मिलने के चांसेस हैं। आपका जॉब मिलने का सही समय शुरू हो रहा है 6 फरवरी 2016 से, कीजिए इंतजार। मोनिका जी स्वागत है। हाँ जी नमस्कार गुरुमा। जय माता दी। जय माता दी। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे भाई की पिछले साल में 22 में सुसाइड कर लिया था, हम लोगों का ठीक चल रहा है जी, तो हम लोगों को जेल वेल में कब तक राहत मिल सकेगी? मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 15 नवम्बर 1985। और टाइम सुबह 4:15। सवाल दोबारा पूछो। मेरी भाई की वाइफ ने सुसाइड कर लिया था, हमें मेरी मम्मी पापा और भाई को बेल कब तक मिल सकती है? अभी आप लोग सब बाहर हैं कि जेल में हैं? जेल में है मेरे मम्मी पापा और भाई। आप अकेली बाहर हैं? हाँ जी मैं अकेली बाहर। भाभी ने सुसाइड क्यों किया बच्चा? इसलिए डिप्रेशन, 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी। ये दुर्भाग्य हमारे देश का, क्योंकि कई बार जो है गलती कोई करता है सजा किसी को मिलती है। भाई मांगलिक है और घोर मांगलिक है और भाभी मांगलिक नहीं होंगी। जब भी ऐसा होता है तो यही चीजें होती हैं। एक बात तुम्हें सच बताऊं तो अभी भी बेल मिलने में समय लगेगा। समय अभी आपके भाई का 2016 का खराब है। निर्मला जी स्वागत है। निर्मला जी, टीना जी स्वागत है। अगर आप लोग मुझे कॉल करके टीवी के अंदर आवाज सुनते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टीना जी। जय माता दी मैम। जी जय माता दी, बताइए। मैम मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। नाम बताइए। उसका नाम उदित है। सवाल उसकी नौकरी कब तक लगेगी मैम? डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की प्रश्न का? हाँ, हाँ, है, है। बताइए। 12 सितम्बर 1990 सुबह के 3:15 सुबह के 3:15 तक सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है? कैसी भी मिल जाए मैम फिलहाल तो। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा कहा कि कैसे भी मिल जाए नौकरी होनी चाहिए। गुरु की महादशा, शनि की अंतरदशा, गुरु और शनि की युक्ति अगर देखी जाए तो गुरु वक्री है इसका और गुरु पर ग्रहण लगा हुआ है। नौकरी लग भी गई तो आपका बेटा टिकने वाला नहीं है उसमें, ये आप भी जानती हैं। तो बेहतर है कि इसकी नौकरी लगने के आसार तो मुझे नवंबर में दिख रहे हैं पर ये उसमें लंबे समय तक टिकेगा नहीं, इसे कोई भी बिजनेस खोल कर दीजिए। चलिए राशि के सिलसिले पर वापस आते हैं और बात करते हैं कर्क राशि। संतान की उन्नति, प्रगति, तरक्की देखकर किसको खुशी नहीं होती, सो आज आपको भी होगी। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आज आपको मुलाकात होगी, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह के प्रस्ताव आते दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। आज तो आपकी शादी हो सकती है, यानी कि शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, सो ऑल द बेस्ट। आज कुत्तों को दूध जरूर पिलाएं, बेजुबान जानवरों की सेवा करने का सबसे पहला कर्तव्य मनुष्य जाति का ही है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि। आज आपका आत्मविश्वास हर काम में आपको सफलता दिलाएगा। जरूरी काम की जो बातें हैं उन्हें गोपनीय रखना आज बेहद ज्यादा जरूरी है। राज की बात राज ही रहने दीजिए। आर्थिक स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आज मिट्टी के मटके में पानी भरकर पीपल के पेड़ पर वो मटका रखकर आए या जल चढ़ाएं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। राशि के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कन्या राशि। व्यर्थ में समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, समय का सदुपयोग करना आपके लिए जरूरी है। विरोधी काम में आज अड़चने डाल सकते हैं लेकिन आप घबराइएगा मत, एस्ट्रो आंटी हैं आपके साथ। व्यापार में, व्यवसाय में सफलता मिलती दिख रही है। आज किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने में मदद कीजिए, बस यही सबसे अच्छा काम है। आप इस वक्त देख रहे हैं समाचार प्लस, मैं हूँ एस्ट्रो आंटी यानी कि वाई राखी आपके साथ और आज आपको मैं कात्यायनी और कालरात्रि दोनों के उपाय बता रही हूँ। अब पहला उपाय कात्यायनी का, कात्यायनी माँ को आज लाल रंग की चुन्नी भेंट करें और जब चुन्नी भेंट करें तो उसमें 1 रुपए का सिक्का एक कोने में जरूर बांधकर अपनी मन्नत बोल दीजिए। अब कालरात्रि की बात की जाए तो शनि ग्रह पर नियंत्रण करती है कालरात्रि। अगर आपकी कुंडली में शनि दोषित है, आपको तंग कर रहा है
तो काले तिल काली उड़द मिलाकर माता रानी की पूजा जरूर करें, एक दीपक जो है प्रज्वलित करें और माँ के समक्ष काले तिल डालकर सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। इंसान जिंदगी में गलतियां कर उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों को बार बार सोच कर होता है। जो बीत गई सो बात गई। चंद्रकांता जी स्वागत है। हाँ नमस्कार मैम जी। जय माता दी। जय माता दी। मैम मेरे को दो क्वेश्चन पूछने हैं, एक मेरे बच्चे के बारे में और एक मुझ बारे में। मैं आपका इस दोनों सवालों का जवाब प्रश्न कुंडली से दूंगी। सवाल पूछिए। मेरा है ना डेट ऑफ बर्थ है 4/1958। सवाल क्या है आपका? मेरा एक है ना मैम मेरे घर में घर क्लेश बहुत ज्यादा रहता है। क्या ज्यादा रहता है? घर का क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहता है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है मेरे ना छोटा बच्चा है, उसके गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना मैम। नाम बताइए बेटे का। बेटे का नाम है योगेश। कौन? डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, प्रश्न कुंडली से आपके सवाल का जवाब दूंगी। लोकेश को जॉब मिल सकती है, करियर अच्छा दिख रहा है, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा रहे तो उसके लिए एक उपाय करना जरूरी है। वो ये कि तुलसी के दीपक जो है तुलसी के पौधे पे शाम के समय दीपक जलाएं। जिस घर में लड़ाई झगड़ा या वास्तु दोष होता है वहां तुलसी का पौधा कभी नहीं लगता। क्या आपके घर भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो समझ जाइए कि घर में लड़ाई झगड़ा खत्म करने की सख्त जरूरत है। दो लोग लड़ रहे हो तो एक चुप रहे। जय जी स्वागत है। जय माता दी। मैम उसको अपने हस्बैंड के बारे में और अपने बेटे के बारे में मालूम करना है। सिर्फ नाम बताइए दोनों का और सवाल पूछिए। मैम मेरे बेटे का नाम तो सौदिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 मई जी 2009। ठीक है जी। संतोष और पाँच लक्ष्य। सवाल मैम उसको स्वास्थ्य नहीं रहता 5 साल तक, तो वैसे बीमार और अभी स्वास्थ्य नहीं रहता। 12 साल की उम्र तक ये बीमार ही रहेगा, उसके बाद इसके अंदर बदलाव महसूस करोगी धीरे धीरे, लेकिन तो 12 साल होने तक का करो इंतजार। रेखा जी स्वागत है आपका। रेखा आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है आपसे मेरा संपर्क टूट गया। लता जी स्वागत है। हेलो नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। लता जी मैम मुझे ये पूछना था कि मेरे घर में पैसा नहीं उठता है बिल्कुल भी और आता भी नहीं है। पैसा आता ही नहीं है तो रुकेगा कैसे? पहला सवाल तो यहीं खत्म हो गया। दूसरे की बात करते कि पैसा घर में आए इसके लिए बृहस्पतिवार की पूजा व्रत रखे जा सकते हैं। घर में थर्सडे को कपड़े ना धोएं, कोई शैम्पू से बाल ना धोए, शेविंग ना हो और कहीं पर भी पार्लर का कोई काम ना कराया जाए। विष्णु की जाए पूजा तो लक्ष्मी दौड़ी आपके घर आएगी। चलिए यहाँ पर एस्ट्रो आंटी रुकेंगे एक छोटे से नन्न से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए राशि के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तुला राशि। स्वास्थ्य आज आपका सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। संतान की ओर से थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। ये जो संतान होती है ना दुख का सबसे बड़ा कारण है और कष्ट का और सुख का भी सबसे बड़ा कारण। आज आपकी सुखद यात्रा के योग दिख रहे हैं तो यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो गणेश जी का नाम लेकर ही घर से निकले। सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं, आप उसमें लगेंगे भी खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि इस अक्षर ही आपकी राशि में गोचर कर रहा है। व्यवसाय की आशा के अनुसार सफलता मिलेगी, मतलब जितनी उम्मीद व्यापार में आप कर रहे हैं ना मुझे तो लगता है उससे ज्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 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 क्रोध पर करना होगा नियंत्रण। पहले किए गए अच्छे कार्य आज आपको शुभ फल जरूर देंगे, इसलिए तो कहते हैं जो भी आप करते हैं वही आपके सामने आता है। आज मंदिर में भगवत गीता भेंट स्वरूप पंडित जी को जरूर दें, संभवतः हो सके तो नवरात्रों में भगवत गीता का पाठ भी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। जीवन साथी के साथ संबंधों में नजदीकियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। बेकार के कामकाजों पर आज ध्यान ना दें, उसे छोड़ दें तो बेहतर होगा। किसी के साथ लेन देन आज आपको सीमित रखना होगा एक लिमिट में। आज दूध से स्नान करना बेहद ज्यादा अच्छा है। अगर अभी तक आप ये कार्यक्रम देखने तक स्नान कर चुके हैं तो दूध के कुछ छींटे आप अपने ऊपर जरूर मार लें। सबसे पहले कथयानी के उपाय की बात करेंगे। माँ को आज इत्र जरूर लगाएं। कथयानी नवरात्रा अगर आज आप मान रहे हैं, सब लोग कोई आज सप्तमी मान रहा है तो कोई आज छठा नवरात्रा मान रहा है, कोई कल अष्टमी कर रहा है, कोई परसों कर रहा है, भाई आपके बड़े बुजुर्ग जैसा कहते हैं वैसे करो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार से अष्टमी बुधवार की है। चलिए बात करते हैं कालरात्रि की। अगर शनि की सारसती चल रही है या शनि की ढैया आपकी कुंडली में चल रही है तो माता का अभिषेक सरसों के तेल से करें। माँ के मंदिर में सरसों का तेल भेंट स्वरूप देकर आने से आज आपको हर कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भगवान आपसे सिर्फ इतना कहते हैं आप व्रत रखे ना रखें, भूखे रहे ना रहें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें किसी भूखे का पेट जरूर भरे। दीपा जी स्वागत है। नमस्कार मैम। जय माता दी। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रही थी। बच्चे का नाम? नितिन नाम है उसका, नितिन जोशी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ?
7 दिसंबर 1999। 7 दिसंबर 1999। टाइम सुबह 7:30 बजे हुआ है, मेरा मंगलवार का दिन है। सवाल सवाल मैम मैं ये कह रही, वो इंटर कर रहा है सीबीएसई बोर्ड से कॉमर्स से। तो सवाल क्या है? वो आगे किन्ने ये सर जी, आगे उसकी सरकारी नौकरी होगी, उसका कैसा रहेगा आगे भविष्य, किस क्षेत्र में जाएगा मैम? हाँ, होने के नाते चिंता स्वाभाविक है। आपके बच्चे की जो कुंडली बनती है वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है, और वृश्चिक ही राशि, और वृश्चिक राशि पे सब शनि का गोचर चल रहा है। जब तक शनि चल रहा हो सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी होती है, लेकिन ये कहना आती शक्ति होगी कि इस बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इसको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, इसका भविष्य अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ा और गुस्से वाला इसका तो रहा होगा, समय समय पे इसकी नजर जरूर पड़े। अशोक जी स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। ये अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं मामा। बेटे की डिटेल्स दीजिए। 2000 जी, पहले डेट होती है फिर महीना होता है। अच्छा, 9 अगस्त 9 अगस्त 2000 जी। और टाइम 9:25। कौन से 9:25? 9:25 शाम रात। ठीक है, सवाल? हर्ष दीक्षित नाम है। सवाल, आगे माता जी कुछ कर पाएगा या नहीं, ऐसे रहेगा? माता पिता होने के नाते ये स्वभाव आप लोगों का जो है बहुत सही है, लेकिन इस जनरेशन से ऐसे उम्मीद करना कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो गलत है। आपके बच्चे का करियर आपसे बहुत अच्छा होगा, भविष्य आपके बच्चे का मुझे अच्छा दिखता है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा गुस्से वाला है, और कोई भी चिंता की बात नहीं है। फिलहाल वृश्चिक राशि होने की वजह से शनि इसकी राशि में गोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊट पटांग चीजों में इसका दिमाग ज्यादा लगेगा। शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर दिया जलाइए, जरूर आगे आपका बच्चा कामयाब होगा। मोनिका जी जुड़ी है हमारे साथ, स्वागत है आपका। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी आपकी आवाज सुनी आ रही है, आपके बच्चे की आवाज जरूर आ रही है। नमस्कार, सुनीता जुड़ी है, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 2000। उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, पढ़ाई में कैसा रहेगा और आगे क्या करेगा? क्या कर रहा है अभी आपका बच्चा? पढ़ाई करता है। नहीं, पढ़ाई तो कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है? 7th क्लास में है। उसकी उसका टाइम बताइए। सुबह 9:50 पे। 9:50 सोमवार का। हाँ, वो तो सोमवार आ गया, दिन की कोई बात नहीं है, दिन सोमवार का ही है। अगर इसकी बात की जाए तुला लगन की पत्रिका बनती है इसकी, और अगर इसकी राशि अगर मैं आपको बताऊं तो मकर राशि बनती है। जो राशि अब मैं राशिफल पढ़ूंगी वो इसकी राशि है। करियर अच्छा है, भविष्य अच्छा है, लेकिन मोर पंख इसके कमरे में जरूर रखें, और जब भी ये स्नान करे इसके पानी में एक चांदी का सिक्का डालकर ही बाल्टी में रख दीजिए, ताकि ये स्नान जब भी करे इसके पानी में चांदी जरूर हो। मुकेश जुड़े, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। जय माता दी। जय माता जी, स्वागत है आपका, और आप मुरादाबाद का भी। डिटेल्स बताइए मैडम। 15 जून हमें सुना थी। ठीक है, और टाइम? टाइम है रात्रि 8:02 जो 8:30 के बीच का है। ठीक है, सवाल? शुक्रवार मैडम, मेरे को काम नहीं बनना है, काम बताइए। शुक्रवार काम क्या करते हो आप? मैडम पहले उत्तर प्रदेश करीब निगम में था, आज नौकरी। आप पानी में नमक डालकर स्नान कीजिए, आपको नजर लगी हुई है, और नौकरी जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कीजिए, गुस्सा कम कीजिए, चीजें बेहतर होंगी। चलिए वापस से बात करते हैं राशिफल की, और बात करते हैं मकर राशि। मतभेद विवादों को टालने का प्रयास करें तो अच्छा है, वरना लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली आती है। विवेक से निर्णय लेना होगा, कार्यों में सफलता मिलती दिख रही है, सुखद यात्रा के योग बन रहे हैं। आज इलायची खाकर ही घर से निकलना अच्छा है मकर राशि वालों, थोड़ा चुप रहेंगे तो आज बेहतर रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। व्यापार में अनुकूलता बनी रहेगी, लाभ में वृद्धि होगी, नौकरी की इच्छा के अनुसार आज आपको लाभ होगा। मतलब नौकरी अगर बदलने का सोच रहे हैं, या नौकरी में अगर आप सोच रहे हैं कि बॉस इंक्रीमेंट या प्रमोशन दे, तो हो सकता है। आज रोटी पर घी लगाकर गौ माता को जरूर खिलाएं, गाय हमारी माता है, उसकी सेवा उसकी रक्षा करना, उसे भोजन देना हमारा कर्तव्य है। चलिए अगली राशि का रुख करते हैं, जो है मीन राशि। मनोबल बढ़ने से कठिनाई होगी, कार्य आसानी से कर पाएंगे आप, लेकिन अगर मनोबल बढ़ा रहे तो वाहन सुखद जो है वाहन का सुख मिलेगा, नई गाड़ी खरीदने का सोच सकते हैं, और नई गाड़ी नवरात्रों में खरीदना शुभ भी होता है। आमदनी में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, आज आटे का दान मंदिर में जरूर करें, जगह जगह भंडारे हैं 2 दिन बाद, तो भंडारे में बढ़ चढ़ कर भाग लें तो बेहतर होगा। उपाय, कात्यायनी माँ की अगर बात की जाए उनका उपाय, तो आज माँ को आप लड्डुओं का भोग लगाएं जरूर,
लेकिन काल रात्रि की बात की जाए तो विद्या प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के समक्ष बैठकर 27 बार आप विद्या का जाप मंत्र करें। इस मंत्र की फोटो खींच ले। या देवी सर्वभूते विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। खासकर अपने बच्चों से ये मंत्र आज 27 बार माँ के समक्ष अगर आप गलवा देंगी, बच्चे गा देंगे, इसे बोल देंगे या जाप कर लेंगे इसका, तो उनकी विद्या में आ रही सभी समस्याएं दूर होंगी। शिल्पी जुड़ी है। शिल्पी जी स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी बेटा। मैम मेरी शादी से प्रॉब्लम है, शादी से जुड़ा हुआ सवाल है। मतलब आपकी शादी नहीं हो पा रही? बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपकी किसी से सगाई वगैरह हो रखी है? नहीं अभी, मतलब कहीं भी देखने जाओ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए जब भी आप देखने जाएं तो मंदिर जाकर माँ को सबसे पहले तो इस नवरात्रि में आप चुन्नी अर्पण कर दें, श्रृंगार का सारा सामान अर्पण कर दें और सुहागने पैर में जो चुटकी पहनती है वो अर्पण कर दें और पंडित जी से एक चुन्नी मांग लें। जब भी आप लड़के वाले आपको देखने आए या आप जाएं तो आप वो चुन्नी अपने पर्स में रखकर लेकर जाएं, एक ही बारी में आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। यास जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी बताइए। मैडम अपना व्यापार देश विदेश में फैलाना चाहते हैं। क्या चीज का व्यापार है अपना? कपड़े का व्यापार है। कपड़े का काम है और उसे बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न कुंडली से आपके सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कपड़ा मंदिर में दान जरूर करें, महिलाओं का मान सम्मान करें। आपसे उम्र में जो बड़ी माँ के बराबर भाभी माएं हो उनके पांव आप जितना ज्यादा छुएंगे उतना जीवन में तरक्की करें। गौरव जुड़े हैं। गौरव जी स्वागत है। नमस्कार मैम। जय माता दी। मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/6/1992। 30/6/1992 समय सुबह के 8:10 और जन्मस्थान सहारनपुर। सवाल मैम मेरी ना जॉब नहीं लग पा रही है और मुझे ये जानना है गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, ना तो मेरी प्राइवेट लग रही है ना गवर्नमेंट की। बाबू अभी तो प्राइवेट जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब अगले साल तक लगेगी और ऐसे गिव अप नहीं करते। जिंदगी में जो भी चीज चाहो वो तुरंत नहीं मिलती। आप एक पौधा भी लगाते हो तो उसे फैलकर पेड़ बनने में कई साल लग जाते हैं। अभी अभी स्कूल छोड़ा, अभी अभी कॉलेज से आए और एकदम से नौकरी लग जाए, आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। और अगर आसानी से मिल जाएगी तो फिर उसकी कदर कैसे होगी, सब्र करिए। सरिता जुड़ी है, स्वागत है सरिता जी। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है आपसे हमारा संपर्क टूट गया लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं लगातार। चलिए वक्त हो गया है एस्ट्रो आंटी के एस्ट्रो टिप का। यदि आपके घर में किसी को भी शराब पीने की लत लग गई है तो आज माँ के समक्ष सिर्फ काली माँ के, कहीं आप नवदुर्गा के मंदिर में मत लेके चले जाइएगा, लोग और पंडित आपको भी पिटाई करेंगे और आप मेरा नाम लेंगे तो मेरी भी पिटाई हो जाएगी। सिर्फ काली माँ को जो है शराब की बोतल अर्पण कर प्रार्थना करें कि जो भी व्यक्ति घर में ये लत से है वो लत उसकी छूट जाए। और याद रखिए, इंसान शराब खुशी में जरूर पीता है लेकिन दुख में ज्यादा पीता है। कोई कारण जरूर है कि आपके परिवार में जिसको भी ये लत हो गई उसे केवल और केवल आप प्यार से छुड़ा सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद भी अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे मेरे नंबर है, लेकिन प्लीज ये मेरे पर्सनल नंबर है जिस पर आप सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट समय लेकर ही बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, कल तक के लिए जय माता।